नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मुंह बंद रख अपना, एक शब्द और नहीं बोलना, चल निकल यहाँ से, निकल जा। गुस्से में ऐसा कहने वाली मेरी माँ है और पास में जो चुपचाप खड़े हैं वो मेरे पापा हैं और शादी का जोड़ा पहनकर जो खड़ी है वो मेरी मंगेतर है और ये दोनों उसके माँ बाप हैं। आखिर में मैं बाहर आ रहा हूँ। अक्सर मेरे पापा को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी मैं हर हफ्ते घर आता रहता हूँ, लेकिन पहली बार मेरी माँ को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और ये सब कैसे हुआ जानना है आपको? ये मेरे पापा जो मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि अपने साथ मुझे स्कूल लेकर जा रहे हैं। हमारे मैथ्स टीचर सारे स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दे रहे थे, सिर्फ मुझे ही उन्होंने क्लासरूम में बैठा कर रखा। ये सब क्या है मधु जी, इन सबको पनिशमेंट दे रहे हैं, सिर्फ मेरा बेटा क्लास में है। दरअसल वो आपका बेटा है ना, इसलिए मैंने। ये क्या सर, आप खुद खड़े हो गए? कहा था ना मेरा बेटा, इसलिए पनिशमेंट नहीं दी। अब उसकी पनिशमेंट मैं भर रहा हूं इसलिए। उस दिन से मेरे पापा और सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ 20-20 मैच खेलना शुरू कर दिया। एक बात इनको समझ में नहीं आती कि वो लोग कितनी भी जोरदार बैटिंग क्यों ना कर लें लेकिन मुझसे नहीं जीत सकते। पर एक जगह हमेशा मेरी हार ही हुई। मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो विशाखापट्टनम में रहते हैं। पापा ने उनकी बेटी को हमारे घर में रख लिया। मेरी जगह के साथ साथ पापा के दिल में भी इसने अपनी जगह बना ली। ये फोटो में जो है वो मेरी दादी माँ है और पापा के दोस्त ने दादी के नाम पे ही अपनी बेटी का नाम रख लिया। देखा ना, माँ की फोटो को कैसे प्रणाम कर रही है बेटी। मेरी माँ के इमोशनल एक्सप्रेशन से पता चल गया कि अब इस घर में मेरी क्या हालत होने वाली है। इनका नाम सदानंद है। पापा के दोस्तों में यही एक है जो पापा को ओए रे बे करके बुलाते हैं। इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन घर के पास का स्कूल छोड़कर अपनी बेटी का दाखिला हमारे स्कूल में करवाया। और बता तेरा बेटा कैसा है? पता नहीं यार मेरे बेटे का क्या होने वाला है। ये मेरे दादाजी की 5 एकड़ जमीन है जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है। वो हमेशा कहते थे कि हर इंसान को खेती बाड़ी जरूर करनी चाहिए। अरे भैया इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है और एक एक एकड़ में 1 लाख के हिसाब से मुनाफा हुआ है। ये सुनने के बाद मेरे दिल में मैंने एक बात की गांठ बांध ली थी कि अगर लाइफ में मैं कुछ करूंगा तो खेती ही करूंगा। सुधाकर खड़ा हो जा, तू बड़े होकर क्या बनेगा? डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगी सर, पुलिस। हे विष्णु खड़े हो जाओ, तू बड़े होकर क्या बनेगा? मैं खेती बाड़ी करके अच्छा किसान बनूंगा सर। ये जवाब सुनकर मेरे पापा एकदम शॉक हो गए। बेटा मैंने ये क्या सुना कि तू खेती बाड़ी करना चाहता है? ऐसा नहीं बोलते, अगली बार कोई पूछे ना तो कहना कि मैं अच्छे से पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने अपनी माँ को दादाजी की कही हुई बात कही कि हम किसी और जगह नौकरी करके अपने ही पैसे से अपना अनाज क्यों खरीदें, हमें अपना अनाज खुद ही उगाना चाहिए। ये जवाब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे सिर्फ खाना खिलाया, न कोई सवाल किया न कोई बात कही। देखो इसे कितना मन लगा कर पढ़ रही है, और एक तुम लोग हो गधे की तरह बस खाते ही रहते हो। ए विष्णु खड़े हो जा, सरोजनी देवी की माँ का नाम क्या है? एक नंबर का गधा, कुछ नहीं आता, मुंह लटका कर खड़ा हो जाता है बस। सुभाष तू भी खड़ा हो जा, तू भी इसके साथ रह रहकर एकदम ढीठ हो गया है। आ बेटा वेदा तुम बताओ। उनकी माँ का नाम है बारदा सुंदरी देवी। गुड, जरा इन सब के कान के नीचे लगाओ तो। एक बात आप सब लोग ध्यान दें कि जब मैं 3rd क्लास में था तब वो 1st क्लास में थी, अभी मैं 5th क्लास में हूँ और वो भी 5th क्लास में ही है। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसे मेरे ऊपर कितना विश्वास है।
मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा करने से अच्छा लगा? हाँ, तो भी उंगली डाल के देख। बहुत मजा आया। अम्मा, चाचा जी। और इस तरह मैं उसके थप्पड़ का बदला लेता था और फिर पापा का मुझे मारना, मुझे इन सब की आदत पड़ गई थी। शादी करके मुझे फोन करना, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? चल अब जल्दी जा। बाय 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 विष्णु। माफ कीजिएगा शेखर जी, आप न्याय और अन्याय की परिभाषा सिखाते हैं और हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर गांव की इज्जत का सवाल है, आपका बेटा सदानंद जी की बेटी को भगा कर ले गया है, ऐसा इन लड़कों ने आरोप लगाया है। इसमें आरोप क्या लगाना, ये सच है। ये जिससे शादी करवा रहे थे वो उसे पसंद नहीं था, वो और मेरा दोस्त आपस में प्यार करते थे, इसीलिए मैंने उन दोनों को भगाया। दोनों ने शादी कर ली है और खुशी खुशी हैदराबाद में रह रहे हैं। अब इसके लिए पंचायत बैठाने की क्या जरूरत है? देखा ना तेरे बेटे ने कितनी आसानी से बोल दिया, पर तेरी समझ में नहीं आएगा। अगर तेरी एक बेटी होती और उसकी शादी में ऐसा होता तो पता चलता, पर तुझे वो मौका नहीं मिला। तेरी ही वजह से मेरी बेटी की मुलाकात इससे हुई, उसकी वजह से दोनों की दोस्ती हुई और आज मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई। एक लड़की जब अपने बाप का घर छोड़कर जाती है तब वो अपने साथ अपने घर की इज्जत लेकर जाती है, लेकिन इस तरह कोई लड़की शादी के मंडप से उठकर भागती है तो अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देती है। आज के बाद से हमारी दोस्ती और मेरी बेटी दोनों खत्म हो गए। अगर तुम लोग मेरे हाथ लग जाते ना तो जिंदा नहीं बचते। अबे हाथ लगते तब ना, तुम लोग तो ढूंढ ही नहीं पाए, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, सामने ही खड़े हैं हम लोग। हे रुको, हट पीछे, लड़ाई मत करो। ये गलती मेरे बेटे से हुई और मेरा दोस्त भी मुझसे दोस्ती तोड़कर चला गया। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो माफी मांगता हूँ। तेरे पिताजी भी ग्रेट हैं यार, गलती तूने की लेकिन उन्होंने अपने सर पर ले ली और पूरे गांव के सामने माफी मांग ली। He is great. उन्होंने क्या कोई पहली बार गलती की है? मुझे पैदा करके वैसे ही गलती कर चुके हैं, माफी तो मांगनी ही चाहिए। और मैंने जो किया वो कोई गलती नहीं है, इसलिए माफी तो उन्हें ही मांगना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे कोई गलती नहीं है। लेकिन यार ऐसे लड़की को भगाना गलत नहीं है क्या? इसमें क्या गलत है, वो लड़की उससे प्यार करती है, लड़का महीने का 50,000 कमाता है और जिंदगी जीने के लिए प्यार और पैसा दोनों है उनके पास, यही तो चाहिए होता है।
करेक्ट है रे। उसके पापा रो रहे थे क्योंकि उनकी बेटी भाग गई, लेकिन अगर वही शादी करके आत्महत्या कर लेती तो जिंदगी भर रोना पड़ता उनको। मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने उनकी मदद की। उसकी जगह तू होता तो तेरी शादी कभी नहीं करवाता। मतलब तू मेरा दोस्त नहीं है क्या? दोस्त है रे, लेकिन प्यार करने की तेरी औकात नहीं है। सुपर है बॉस, सुपर है। तेरे सामने तेरा दोस्त हो, तेरा बाप हो या कोई भी हो, पर तुझे जो अच्छा लगता है वही बोलता है। ये हमारा गेस्ट हाउस है। पापा जब भी मुझे घर से निकालते हैं मैं यहीं पर आकर रहता हूँ, और मेरे पापा के दोस्त भी यहीं आ जाते हैं। एक दिन मैं भी दो पैसे कमा कर उनके साथ दो पैग मारूं, यही मेरी इच्छा है। चीयर्स। अच्छा बता, किससे झगड़ा करके आया तू? झगड़ा करूं उसके बाद ही यहाँ आ सकता हूँ क्या? और नहीं तो क्यों आएगा यहाँ? और एक वो है जिसे हमने जन्म दिया है, कभी भी नहीं आती है वो यहाँ, जरा सा भी अटैचमेंट नहीं है हमसे, और अगर कभी आ भी गई तो यही रट लगाए रखती है, मुझे जाना है जाना है मुझे जाना है, बस इतना लाड़ करते हैं तेरे पापा उसे। एक बार वहाँ देखिए, सब समझ आ जाएगा। कहाँ? आंटी जी, कॉफी। हाँ ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। माँ। हाँ। कॉफी वहाँ है, जाके खुद ले ले। बेटा तुम्हें उपमा पसंद है ना, इसलिए बनाया है। थैंक यू। और मेरे लिए क्या बनाई हो? जो बनाया है वो खा ले, ये ले। बहुत अच्छा बनाया आंटी। बेटा जरा जल्दी खाओ, तुम्हारे अंकल ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो वो तुम्हें कॉलेज में छोड़ देंगे, ठीक है? तुम आराम से खाओ बेटा, खाने के बाद निकलेंगे, मैं वेट करता हूँ तब तक। आराम से खा लो। हाँ। ये था फ्लैशबैक। इनका लाड देखकर तो अब मुझे जलन हो रही है। अब मैं तेरी सिचुएशन समझ सकती हूँ। भला वो हमारे घर में क्यों आएगी? ये देख, जरूर तेरी मम्मी का फोन होगा, पूछेगी कि मेरे बेटे को खाना खिलाया या नहीं। मैं जाकर अभी बात करके आती हूँ, और आप लोग खाना खाने आ जाइए। अब जल्दी से बता दे, सच सच बताना, क्या सच में झगड़ा करके आया तू? अरे तेरी उम्र में सब ऐसा ही करते हैं, तू बता तो सही। ऐसा हुआ कि मेरा फ्रेंड है ना, उसकी और पापा के फ्रेंड की बेटी की मैंने भगाकर शादी करा दी। अरे ये क्या, उसकी बेटी को भगा के इससे शादी करवा दी, इसकी बेटी को भगा के उससे करवा दी? मेरी बात सुन, तो मेरी बेटी को भगा कर ले जा, मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। अच्छा, यहाँ पर बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन अगर ये बात पापा के कान तक पहुँची ना कि ऐसा आपने बोला और मैंने सुना है, तो हम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। इतना प्यार करते हैं पापा उससे। मेरी तो उतर गई, मुझे दो पैग और मारने पड़ेंगे, तू भी मार। मुझे तो छोड़ी ही नहीं। दारू बहुत पी ली है, बाकर खाना खा लीजिए। बस आ रहे हम लोग। ये है हमारा ग्रेट कॉलेज, दिखने में ठीक है लेकिन इसका चरित्र बड़ा महान है। जिस तरह कॉलेज के बाहर पानी पूरी का ठेला लगाना आसान है, उसी तरह मुझे यहाँ एडमिशन मिला है। क्या है, लगता है कुछ पूछने आई हो, अब चुप क्यों खड़ी हो? कुछ पता है अंकल जी कितने दुखी हैं? सुना है सबके सामने उन्होंने माफी मांगी। तेरे तो अंकल हैं, मेरे तो पापा हैं, तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? एक लड़की के बाप के साथ तूने जो कुछ भी किया गलत था, उसके पापा को कितना दुख हुआ होगा, कोई अंदाजा है तुझे? तेरी तकलीफ क्या है, मेरे पापा को तकलीफ हुई ये या उसके पापा को तकलीफ हुई? दोनों को। लड़की चली गई इसलिए उसके पापा को, और तू अपने पापा की बात नहीं मानता है इसलिए तेरे पापा को। छोड़ ना, तू मेरे पापा की फिक्र क्यों करती है? और रही बात उसके पापा की, तो सब बाप ऐसे ही होते हैं। पार्वती जी ने शिव जी से प्यार किया था, उनके पिताजी भी नहीं माने थे। अगर उस दिन पार्वती जी अपने पिता की बात मानकर रुक जाती तो आज हमें इतने सुंदर जोड़ी के दर्शन होते? तुझसे बात करना मतलब अपना सिर फोड़ना है। तूने पूछा इसलिए बताया, अगर ऐसी सिचुएशन तेरे साथ आई ना तो तू भी खुशी से भाग जाना। पूरी बात सुनते जा, जो हमारे दिल के करीब होता है ना वो साथ रहे तभी हम खुश रहते हैं। मैंने तो उनकी हेल्प की है। भाई पुराणों में तेरा इतना इंटरेस्ट है, बहुत सही जवाब दिया यार। इंटरेस्ट नहीं है, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो महादेव का सीरियल देख लिया, उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, पूरा का पूरा एपिसोड इसको चिपका दिया। इसको और मेरे पापा को ऐसे ही समझाना पड़ता है। भाई क्या है, एक काम कर, ये डबिंग सीरियल देखना बंद कर दे। फालतू बात मत कर, चल क्लास चलते हैं। चल बे, आ गया होगा वो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के क्लास में इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को ये बता सकूं। क्या बात है, आज तुम लोग इस क्लास में कैसे, अपनी क्लास भूल गए हो क्या? कहीं भी घुस जाते हो मुंह उठा के। सर ये कंबाइंड क्लास है। ओ, कंबाइंड क्लास है क्या, ठीक है आओ आओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया करो। हाँ लाओ। स्टूडेंट्स, तुम में से होम साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं? ओके ओके,
अगले 4 महीनों में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 2 महीनों के बाद तुम्हें एक रिमोट एरिया में जाना होगा जहां गर्ल्स एजुकेशन पे एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और सुनो, तुम चारों लोग बिना नागा कॉलेज आना। अगर अटेंडेंस कम हुए ना तो तुम्हारे माँ बाप से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाऊंगा। बेवकूफ कहीं के, ये हम लोगों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। इसे इसकी औकात दिखानी होगी। अभी ऐसा नाटक करूंगा कि हम सब उसके सामने बाहर चले जाएंगे। अच्छा, करके दिखा दे, मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। अभी टैलेंट दिखाने को बोला तो मुंह क्यों बना रहा है? जब भी कोई फालतू काम करने जाता हूँ यही करता हूँ, डिस्टर्ब मत कर। अरे देखो इसे क्या हो गया। अरे बाप रे, उठो उठो, इसे इसे लेके चलो यहाँ से। अरे भाई चलो चलो, रास्ता दो, आजा आजा। सर पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया, तो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। अरे चलो चलो। अरे अरे अरे, क्या हुआ सर? अचानक से गिर पड़ा, पता नहीं क्या हुआ। हॉस्पिटल लेके जाओ इसे पहले। हाँ सर, ऑटो में डाल के ले जाते हैं। ऑटो में कैसे लेके जाओगे? अरे चलो जल्दी, इसकी क्या जरूरत है सर? हमारे पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं है सर। अरे पैसे मैं देता हूँ ना, बस इतना ध्यान रखना जिसे कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा नाम बदनाम होगा। और इसे कुछ हुआ तो पुलिस वाले मुझे काम चला लेंगे। तू मुंह बंद रख, चलो चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, जाओ जाओ जल्दी लेके जाओ। अब देख मैं क्या कर रहा है ना वो। हेलो, गाड़ी पर आ जाओ, चल चल। अरे अरे, गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? हे, आप लोग डॉक्टर हो या कसाई हो? लाते ही चीर फाड़ करने लगे, कितने कमर्शियल हो गए यार आप लोग। क्या हुआ तुझे? अरे फंस गया था यार, ये तो मेरा ऑपरेशन ही कर रहे थे। अरे तुझे बोलना चाहिए था ना कि एक्टिंग कर रहा है। कैसे बोल देता, एक्टिंग कर रहा था, कहीं गुस्से में ऑपरेशन कर देता तो। चल चल निकलते हैं यहाँ से। सर सर सर, आपका 10,000 का बिल बना है। अच्छा बिल, इसकी तो ऐसी आपने। Happy birthday to you, happy birthday to you. बेटा मैं इनको छोड़कर आता हूँ। माँ। अरे बेटा कहाँ चला गया था? अच्छा ये ले, केक खा ले। आज तो कम से कम जल्दी आ जाता, केक लाने के लिए तेरे पापा को जाना पड़ा। छी, जल्दी आने बोला तो मुझे लगा तेरा मुझ पर प्यार आया होगा, केक के लिए बुला रही थी। अच्छा एक बात बता माँ, मेरा बर्थडे कब है? अच्छा वो क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ याद करना माँ, याद कर। याद नहीं आ रहा। माँ इस तरह सिर मत खुजाओ, आपके बाल झड़ जाएंगे। आखिर इस घर में ये चल क्या रहा है? मुझे एक नौकर की तरह और इसे एक महारानी की तरह रखा जा रहा है। बचपन से बहुत झेल चुका हूँ लेकिन अब और नहीं, मुझसे ये बिल्कुल नहीं सहन होगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, दादाजी की जमीन में मेरा हिस्सा कर दो। मैं अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगा, अब तो एक पल भी नहीं रह सकता। क्या हुआ बेटी? मैंने कब ऐसा कहा अंकल कि मैं इसी घर में रहूंगी? आपने कहा इसीलिए मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने घर चली जाती हूँ, जब देखो तब मुझे ताने मारता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। किसी ने कुछ कहा बेटा? हमेशा कहता है कि मुझे महारानी की तरह रखते हैं और इसे नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। हर रोज मैं ये सब नहीं सह सकती अंकल, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा। अब तक उसकी माँ का मुँह देख कर उसे माफ करता रहा हूँ। अगर उसे मर्दानगी दिखानी है तो तुझ पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर दिखाए। अब आने वाले टेस्ट में अगर एक भी मार्क तुमसे किसी सब्जेक्ट में ज्यादा लाकर दिखाए तो वो यहाँ महाराजा की तरह रह सकता है, नहीं तो उसकी माँ जो कॉफी लाकर देती है और तुम्हें कॉलेज तक ड्रॉप करना वगैरह सब काम इसे करना पड़ेगा। आइंदा ऐसी बातें करेगा तो दादाजी की जमीन क्या इस घर में भी कदम नहीं रखने दूंगा। साक्षात परशुराम से कोई चैलेंज करता है, उसके शादी करके जाने तक सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। अरे तेरे पापा को तेरे ऊपर कितना विश्वास है, बहुत अच्छा ऑफर दिया है तुझे। वो एग्जाम में पेज के बाद पेज लिखती रहती है और तू देखता रहता है, क्योंकि तेरा पढ़ाई से कोई संबंध तो है नहीं। ए, जिस तरह किसी अनपढ़ का भगवद गीता पढ़ना बेकार है, उसी तरह तेरा उसे चैलेंज करना भी बेकार है। अरे यार तूने उसे चैलेंज किया ही क्यों? अरे तुम लोग ही मेरी हिम्मत हो, तुम लोग ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? तुम लोग के भरोसे मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तुम लोग के साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, मैं अकेला देख लूंगा। ऐसी बात नहीं है दोस्त, चैलेंज करना गलत नहीं है, लेकिन उसे कर दिया ये गलत है। दोनों एक ही है ना, मैं जा रहा हूँ तू बैठ। अरे रुक ना, कुछ सोचते हैं ना, शांत रह, कोई रास्ता निकलेगा। अरे अभी सोचने का टाइम नहीं है, 2 दिन के बाद एग्जाम है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पेपर को चुरा। इधर इधर इधर, क्या हुआ?
क्या हुआ मेरे भाई? जब भी कोई सीक्रेट प्लान बनाना हो तो ऐसे ही बात करनी चाहिए। क्रिकेट देखता है ना तू? क्रिकेटर्स गेम प्लान करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं, तो यही है हमारा प्लान। मगर वो क्वेश्चन पेपर क्यों चुराएगा? क्योंकि वो हमारे स्टाफ रूम में ही रहता है, उसे हमारे दूसरे लेक्चरर ने तैयार किया है। सारे क्वेश्चन हमें पता चल जाएं तो हम लोग उसके आंसर्स लिख पाएं। उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट क्या सारे सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स अच्छे आएंगे, इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये चैलेंज जीत जाएगा। ए, ए, कुछ भी करके मुझे इसमें से निकालो। इसीलिए तो हम सब झुके थे, अब सब लोग सीधे हो सकते हैं। ओके, इस काम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार, लेट्स मूव। ये क्या है यार? क्वेश्चन पेपर चोरी करना इतना आसान होगा ये कभी नहीं सोचा था। ये तो क्वेश्चन पेपर लिखने से भी आसान है। थैंक्स भाई, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी की क्या बात करता है, अभी हम चाय भी नहीं पियेंगे। कल तेरे जंग जीतने के बाद एक बड़ी सी पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन। ओके। ए, हम उतना ही लिखेंगे कि पास हो जाएं। तू सारे लिखना, देखते हैं कैसे नहीं जीतता है। ओके यार, देखते हैं आज की जंग में क्या होता है। सुनो, तूने हमारे विष्णु को चैलेंज किया है ना, अब तो तू गई काम से। अब जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मात देता है। उधर देखो, उसे देख रही हो ना? तुझे हराने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके सैनिकों की तरह पढ़ाई कर रहा है वो। 15 सालों से वो जो गुलामी की जिंदगी जी रहा है, उसे आजादी दिलाने के लिए आज हम सब एक हो गए हैं। कल से युद्ध प्रारंभ होगा। आफ्टर दिस एग्जाम विष्णु इस कॉलेज का हीरो होगा, तुम्हारे चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देगा। गेट रेडी टू फेस हिम, यू एंड योर ब्लडी अंकल। क्यों, मैंने जनगण मन गाया क्या जो इतनी साइलेंट खड़ी हो? डरो। Something is wrong. हेलो, क्या हुआ? इतनी रात को कॉल किया तूने? क्या करूं मैं? हाँ ठीक है कर दूंगी। ये क्या है सर? क्वेश्चन पेपर बाद में, पहले आंसर शीट दीजिए। वो क्या है कि मेहनत से पढ़ाया ना, इसीलिए डरा हुआ हूं मैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है ना? हाँ ठीक है। सर ये लीजिए। जा रहे? चलो दोस्त। हैं? क्या हाल है सावरे? आंसर नहीं लिखेगा तो मर जाएगा क्या? ये आईएएस का एग्जाम नहीं है, चश्मेश का। देखना, मार्क्स देखकर प्रिंसिपल सदमे में चला जाएगा और तू इस कॉलेज का हीरो बन जाएगा। थैंक्स मेरे दोस्त, तूने मेरे लिए कितना रिस्क लिया है। क्वेश्चन पेपर तक लीक कोई सुन लेगा? जरा धीरे बोल, धीरे से बोल। आज रात को मिलेंगे, तब डिटेल में बात करेंगे। चीयर्स।
Cheers. अरे ये क्या है? कितने कम मार्क्स कैसे? सर, हमने सही लिखा था फिर भी जीरो क्यों मिला सर? जो भी पूछना है प्रिंसिपल साहब से जाकर पूछो। ठीक है, हमने सही लिखा था तो हम क्यों डरेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चलो 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 जल्दी चलो चलो। ये सब क्या है सर? करेक्ट आंसर लिखने के बाद भी हमें जीरो मार्क्स क्यों मिले? क्यों बच्चों, कैसे पढ़ के पहुंचे तुम लोग डिग्री तक? अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप किसी चोर से बात कर रहे हो। हमने ऐसा क्या किया है? अरे तुम लोगों ने तो खुद ही मान लिया कि तुम लोग चोर हो। अरे तुम लोगों ने क्वेश्चन पेपर चोरी की तो मैंने क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर दिया और तुम लोगों ने वही आंसर लिखे। कम से कम चेक तो करना चाहिए था। कितने नासमझ और बेवकूफ हो गधे कहीं के। ये सब होने के बाद भी तुम लोगों को क्यों छोड़ रहा हूँ पता है? अगर बाहर जाओगे ना तो तुम लोग सोसाइटी को खराब करोगे। आई बात समझ में? निकलो गधे कहीं के। सुन, हाँ इधर आ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये प्लान तूने ही बनाया होगा। कॉल करके जरा अपने पेरेंट्स को बुला। तो सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, उनको पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे सर, प्लीज। अच्छा, निकल यहाँ से। एक बात समझ में नहीं आई, इनको पता कैसे चला? यही पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर। क्या रे, तू तो कह रहा था कि तेरा दोस्त कॉलेज का हीरो बन जाएगा, ये अचानक बोल दी क्यों बंद हो गई तुम लोगों की? अरे ये लोग तो बेचारे हैं, क्वेश्चन पेपर चुराया था या प्रिंसिपल को पता चल गया होगा? पता तो चलेगा ही ना, इसने कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जरूर कुछ बेवकूफी की होगी। वैसे तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था लेकिन हमारा उससे भी अच्छा था। हेलो। हेलो सुभा, कौन बात कर रहा है? मैं रूपा बोल रही हूँ। ये क्या, तुमने इस समय फोन क्यों किया? वो क्या है ना, आज कॉलेज में तुम्हारा हीरोइज्म देखकर। हीरोइज्म? लेकिन मैंने आज कॉलेज में किसी को मारा तो नहीं। अरे वो जिस तरह तुमने मेरी सहेली को वार्निंग दी थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तब उसकी शक्ल ना देखने लायक थी। लेकिन तू तो उसकी फ्रेंड है ना, उसे वार्निंग देने पर तू क्यों खुश हो रही है? तू भी उसे पसंद नहीं करती है क्या? पर क्या करूं, वो ना हमेशा मुझसे चिपकी रहती है। पता है वो मेरे साथ हमेशा रहती है ना, इसलिए मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती। हाँ मैंने भी ये बात कई बार नोटिस की है। तो मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके देखेगा। I miss you यार। ऐसा मत बोल, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? तुम बहुत रोमांटिक हो ना। सच में क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये अचानक तुमने उसे वार्निंग क्यों दे दी? हाँ बचपन से मुझे और विष्णु को बहुत टॉर्चर किया है उसने, कल हमारा सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। वो कैसे? वेदा तो विष्णु से ज्यादा पढ़ाई करती है ना। अरे पढ़ने दे, हमने क्वेश्चन पेपर ही चुरा लिया है। अच्छा सुनो, आज कल जल्दी आ जाना, पौधों को पानी भी डालना है। क्या हुआ, तुझे क्या लगा था मैं तुझसे प्यार करती हूँ? शक्ल देखिए अपनी। चल। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब तो उसे हर हाल में झेलना ही पड़ेगा। हमें कुछ भी करके उसे सबक सिखाना चाहिए। मुझे बस एक मौका दे, देख उसे कैसे डर का एहसास कराता हूँ। तू इस बार सीरियसली करना चाहता है ना? अरे तेरी कसम यार। मेरी कसम? अरे सीरियसली बोल रहा हूँ यार। ऐसी बात है तो फिर अभी मेरे घर चल। अपने घर ले जाने के बजाय थोड़ा सा जहर लाके दे दे मुझे, तेरे राक्षस बाप से तो कम कड़वा होगा। अरे जब पापा घर में होते हैं तो मैं घर जाता ही नहीं, मम्मी पापा बाहर हैं, सुबह घर आएंगे। अरे तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है? चल घर चल के उसका गला दबा देते हैं। आजा, चलो आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू देखता रह जाएगा। भाई उसको ऐसा सबक सिखाना कि कल पूरा कॉलेज ना उसी के बारे में बात करे। हाँ जरा एक मिनट रुक, ये कार तो प्रिंसिपल साहब की लग रही है। 5449 ये प्रिंसिपल की कार लग नहीं रही है, प्रिंसिपल अच्छा? की है। हाँ प्रिंसिपल तो इस एरिया में रहता नहीं है, फिर कार यहाँ क्यों पार्क कर रखी है? कुछ तो गड़बड़ है, ये मैं पता लगाऊंगा। तुम लोग जरा यहीं रुको। कहाँ जा रहा है तू? Mm-hmm.
ओहो, तो ये सेटिंग चल रही है यहाँ पे। हे, इधर आ, इधर आ। ये देख, क्या हुआ? देख, 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 क्या हुआ? देख, 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 देख। क्यों रे, सही है ना? रोमांस सही चल रहा है ना? अच्छा है। तेरी तो हमारे देखने से क्या होगा? मोबाइल में शूट करके उसे दिखाएंगे तो मनचाहा माल मिलेगा। तो बढ़िया, चल रहा, निकाल जल्दी। अरे यार, काम बनने ही वाला था कि उसने लाइट बंद कर दी। अब क्या करेंगे यार? यार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या करें, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। आइडिया। हाँ, थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए सीनियर्स को देखकर। सही है। चल है। क्या रे, तू अपने आप को बहुत शानी समझती है क्या है? सब कुछ है तेरे पास, पढ़ाई, खूबसूरती, टैलेंट, सब कुछ है तेरे पास, बस भेड़े की बत्ती बुझी हुई है। आज वही बत्ती जलाने आया हूँ मैं। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तू शक्ल बना के देख रही है मुझे? है तुझे चाकू से नहीं बल्कि इस डंडे से मार डालूंगा तुझे। तो पापा को पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे। ये हमारे सर पे तांडव करती है तेरे बाप की वजह से, और तू चुपचाप देखता रहता है। बस तेरा बाप हर समय हमें डराता रहता है। हमारी हालत कुत्तों की तरह बना रखी है उसने। हम स्कूल जाते थे तो घर से ही घूर घूर कर हमें डराता रहता था तेरा वो हिटलर बाप। आज उसको और इसको दोनों को सिखा दूंगा कि रेस्पेक्ट क्या होती है। मत रोक मुझे, मैं दोनों को। चुप हो जाना यार, मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। चुप हो जाना प्लीज, प्लीज यार, शांत हो जा। तेरी माँ तो क्या है यार, इतनी सीधी सादी है। अगर उनसे दूध मांगो तो वो बेचारी खीर बना के खिलाती है हम लोगों को। बस कर, तेरे बाप ने तेरी माँ को काम वाली और तुझे नौकर बनाकर रखा हुआ है। छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, छोड़ो को, छोड़ो नहीं, मैं रोकना नहीं मुझे, छोड़ो नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल उठ, देखना। कैसा रहा सफर माँ? गुड मॉर्निंग अंकल। क्या हुआ, सुबह सुबह यहाँ गए? नहीं अंकल, रात को यहीं सो गया था मैं। चलिए आंटी, मैं निकलता हूँ। क्यों बेटा, बिना खाए पिए जा रहा है? मैं डोसा बना देती हूँ, तू खा के जा, ठीक है? आजा। खा के जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। एग्जाम में क्या हुआ? एग्जाम बहुत अच्छी थी अंकल। गुड। ट्रैफिक जाम हो गया है और लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या रे, अरे तो क्या बहुत शानी समझती है क्या है? सब कुछ है तेरे पास, पढ़ाई, खूबसूरती, टैलेंट, सब कुछ है तेरे पास, बस भेजे की बत्ती बुझी हुई है। आज वही बत्ती जलाने आया हूँ मैं। मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। चुप हो जाना प्लीज, प्लीज यार, शांत हो जाओ। तेरी माँ तो क्या है, बस हो गया। अरे बस कर यार, चुप हो जा, चुप हो जा। सुभाष बेचारी खीर बना कर खिलाती है हम लोगों को। ना बस कर धीरे, तेरे बाप ने तेरी मार खिलाएगा मुझे और तुझे नौकर बनाकर रखा हुआ है। अरे क्या, आंटी नाश्ता तैयार हो गया क्या? अरे नहीं, कहाँ जा रहा, रुक इधर आ। अंकल ऐसी बात नहीं है, दरअसल हुआ ये था कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आइंदा घर के आसपास दिखाना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। बार बार क्यों आऊंगा, आपका घर कोई मंदिर थोड़े ही है। क्यों रे, क्या बोल रहा था? हमारे बारे में ये सब सोचता है तू? तो क्या गलत बोला, ये लीजिए टॉवल रख लीजिए। मैं तुझे बाई दिखती हूँ। पता है ना अब तुम्हें क्या करना है? नाम क्या है तेरा? तुम्हें क्या करना है? अरे रोज तुझे इधर उधर भटकते देखता हूँ। किसके घर पर आई है तू? मैं अपने अंकल के आई हूँ। अंकल के यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहते बेटा, वापस अपने घर जाओ। तुम जाओ अपना काम करो। नौटंकी करते हैं अंकल के घर पर आए, गोंद लेकर चिपक ही जाते हैं अंकल के घर पे। इसकी तो
क्यों पीट रहा है इसको? मैं अपने बेबे को मार रहा हूँ, तू कौन है रे पूछने वाला? तो बीवी, ये शब्द बोलने का भी हक नहीं है तुझे। दो दो बच्चे होने के बावजूद भी अपनी बीवी को मार रहा है, इंसान तो क्या तू, तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। तेरे बच्चे तुझे देखकर डर रहे हैं, कितने सहमे हुए हैं, तुझे कुछ ख्याल भी है उनका? एक बात याद रखना, पिएगा तो घर उजड़ेगा, वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा। शेखर भाई के बेटे ने क्या अच्छी बात कही ना। हाँ, इसे समझाने का सही तरीका अपनाया उसने। अरे यार, आज चंदू कॉलेज नहीं आया। उसने ट्रैफिक हवलदार को 10 रुपए की रिश्वत दी थी, वो उसे पकड़कर कोर्ट में ले गया। अरे सुभाष, उसकी सेवा कर करके थक गया हूँ यार। अरे बाप रे, इस फ्रस्ट्रेशन से रिलीफ चाहता हूँ मैं। कल अपने हीरो की फिल्म रिलीज हो रही है, कैसे भी करके टिकट ले आना यार, प्लीज। भाई, तेरे साथ पिक्चर देखेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तू एक काम कर, अकेला जाकर देख ले, हमें यहीं रहने दे प्लीज। इस मामले में तेरा और मेरा कोई साथ नहीं, चल जा। अरे प्लीज यार, चलो ना, तुम लोग के बिना कभी पिक्चर देखा हूँ क्या मैं? तुझे जाना है तो जा, चल निकल, हम नहीं जाएंगे। अरे तुम लोग तो चलो यार। नहीं जाएंगे। ए, मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल मैं मॉर्निंग शो देखने जा रहा हूँ। जाना, ऑल द बेस्ट। चल निकलना, जाना। कपड़े फाड़ देते हैं यार, किसी और थिएटर में चलेंगे। हाँ ठीक बोल रहा है। तुम लोगों को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, चलो। वेट करने के लिए बोलो, खाली तो बैठा है वहाँ, चल जा। अबे ऐसे क्या घूर रहा है यहाँ, हमें बताने आया या घूरने आया? चल जा ना। अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। एक बोलता है चल, दूसरा आ जाता है बुलाने। ए सिगरेट देख। हाँ लेना भाई। क्यों रे, पेरेंट्स को तो लेके आया नहीं और बुलाने पे नाटक कर रहा है, और अब आया है तो मेरे सामने अकड़ के घूम रहा है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है। क्यों रे, कुछ बोलता क्यों नहीं? सर इस चप्पल की वजह से, जब से पहनी है मेरे पाँव ही नहीं रुक रहे हैं, इतना कंफर्ट है ये सर। चाहिए तो आप भी ले सकते हैं सर, आपकी ही साइज की है। ये तो मेरी चप्पल है। स्वर्णा कॉलोनी पता है ना, वहीं से रात को 10 बजे खरीदे हैं, अच्छा डिस्काउंट मिला है। ए, सर, तू जा। घर पर जाऊं क्या सर? अरे जाना। हाँ ठीक है सर। शॉप के बारे में तो अच्छे से पता चल गया होगा आपको। आप चाहते हैं कि डिस्काउंट के बारे में किसी को पता ना चले, तो थोड़ा साइलेंट रहना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करता हूँ, पेरेंट्स को लेकर आ जाता हूँ। अरे रुक जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जब आना हो आओ, जब जाना हो जाओ, लेकिन इस शॉप के बारे में किसी को मत बताना प्लीज प्लीज प्लीज। सर अगली बार जाइएगा तो चप्पल को शॉप के अंदर रख लीजिएगा, कार भी अवॉइड कीजिए तो अच्छा है। वॉकिंग इज बेटर बिफोर गोइंग टू शॉप। नमस्ते सर। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं। सर हाँ, टेस्ट अच्छा है आपका, सुपर। हे भगवान, छी छी छी। प्लीज यार, एक बार मेरी हेल्प कर दे, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी। ये 100 रुपए रख और मेरे लिए एक टिकट ले आ, प्लीज 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 प्लीज। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा, प्लीज प्लीज। ठीक है, ला दे। थैंक यू। ये हीरो मेरा भी फेवरेट है। फर्स्ट शो नहीं देखूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ए, प्लीज रे। अरे क्या लड़की है। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। विष्णु क्या है?
पवन कल्याण का इतना बड़ा फैन है। मैं भी तेरे पास बैठी थी पर तूने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। वैसे पिक्चर भी कोई खास नहीं थी। पिक्चर अच्छी हो या ना हो ये नहीं पता, फर्स्ट शो थिएटर में देखा, दिल को खुशी मिली और एंजॉय किया। फिल्मों में वही मेरा हीरो है। तो फिर तुम्हारे पिताजी? असल जिंदगी में वो मेरे हीरो हैं। कभी जाहिर तो नहीं होने दिया? ये 2 घंटे की फिल्म थी, बताना पड़ता है। ये जिंदगी 100 साल की है, पता लगाना पड़ता है। और मैं कितनी पसंद हूँ? आज तुझे घर से निकाल दूँ इतनी पसंद है। अरे भाभी ये नहीं, वो निकालिए ना, ये वाला। हाँ देख। अरे बेटा कैसी है तू? इसे क्या हो गया? मैंने कुछ पूछा और इसने जवाब ही नहीं दिया। उसको ही पूछिए, अब ये काम भी करूं क्या? दिन भर उसकी सेवा करता रहता हूँ, अब उसके दिल में क्या है वो भी मैं ही पता लगाऊं। अंकल कैसे हो? अरे भाभी क्या हो गया इन्हें? मुझे कुछ नहीं पता, उसी से पूछो। आपसे तो पूछ कर ही गलती कर। अरे विष्णु बेटा क्या बात है, कई दिनों बाद आए हो। आज पीने का कोई प्रोग्राम बनाए क्या? बनाओ ना बाबा, बहुत दिन हो गए। तो चलो ना फिर। चलो। नमस्कार मालिक। नमस्ते, और बताओ रमैया कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मालिक। और काम धाम सब ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है मालिक। तू आगे चल बेटा, मैं बाद में आता हूँ। तेरा बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालिक, इस साल पढ़ाई छोड़ दी और मेरे साथ खेती में काम करता है। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता उसका, कहता है खेती ही करेगा। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें समझाना चाहिए, समझे? नमस्ते। क्यों नायडू, इस बार तुमने फॉर्म का एडवांस पैसा नहीं भेजा? अरे आपके बेटे ने आपको कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला उसने। अरे आपका बेटा आकर बोला कि इस बार हम फॉर्म नहीं देंगे, 2 महीने बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद खेतीबाड़ी मैं देखूंगा। बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। क्या बात है भाई साहब, आपने ऐसे अचानक बुला लिया हम लोगों को? अरे कुछ नहीं, 2 महीने में बेटे की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो इसके रिश्ते की बात करने के लिए। तुम लोगों ने कोई रिश्ता देख रखा है क्या? अगर देखा है तो मुझे बता दीजिए। अरे भाई साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसमें हमें क्या देखना? दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो विष्णु से अच्छा साथी कौन हो सकता है? बाहर रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने कोई रिश्ता देखा है कि नहीं, ये बात मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं उस लड़के के खानदान और उसके बारे में जान सकूं। मुझे सलाह देने के लिए तुम लोगों को यहाँ नहीं बुलाया मैंने। मतलब इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। अरे ज्यादा नहीं, एक आध ही बता दो। शेखर साहब का बेटा है कहलाकर मेरा नाम बदनाम कर रहा है। लड़कियां भगाकर दोस्तों से शादी करवाने की आदत तो है ही इसकी। अब अगर कोई ऐसी बदकिस्मत लड़की मिल जाए जो इसके साथ भागकर शादी करेगी तभी इसकी शादी होगी। देख लो तुम्हारे माँ बाप किससे तुम्हारी शादी की बात करवा रहे हैं। देखो बहन, जब इतनी छोटी सी थी तब इसे गोद में उठाकर लाया था, इसे उठाने के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी भी उठा रहा हूं। इसकी शादी तो मैं ही करूंगा, तुम लोग बस शादी में आकर कन्यादान कर देना और आशीर्वाद दे देना, बस। क्या बोलती हो बेटा? जैसा आप ठीक समझे अंकल। सुन बेटा, तेरे पापा ने कल रात को जो भी कहा उससे मैं कहा, अगर तू कहे तो मैं इसकी शादी तुझसे करवाऊंगी। सिर्फ बोल कि तुझे इससे शादी करनी है, मेरी बेटी है ना, अगर ना कहेगी तब भी इसकी शादी तुझसे करवा दूंगी मैं। रहने दो आंटी, पापा ने जो कहा वो ठीक है, ये कहा मुझे पसंद है। ये कब घर छोड़कर जाएगी यही इंतजार कर रहा हूँ मैं। अब तक इसे झेला वही बहुत है, अब इसे शादी करके जिंदगी भर इसकी गुलामी करो यही चाहती हो आप? अगर ऐसा है तो ठीक है, जिंदगी भर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपके घर पे आ तो सकता हूँ, अगर इससे शादी कर ली तो मैं अपने घर पर भी नहीं रह पाऊंगा। अजी सुनिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरा विष्णु, मेरा विष्णु, मेरा दामाद कहकर सिर पर बैठा लिया था ना, अब देखो बीच रास्ते में हमारी बेइज्जती कर रहा है। अब क्या बाकी रह गया है, बस आ गई है, चलिए उठिए। बाय माँ, पहुँच कर फोन करती हूँ।
देख बेटा, अपनी आंटी को खुश करने के लिए तू कोई फैसला मत करना। जिससे तुझे खुशी मिले वही करना। ये रख ले। नहीं, मेरे पास है। रख लेना। बाय पापा। बाय बेटा। यार मैंने तो दो ही पी, लेकिन तू इतनी क्यों पी रहा है? लाइफ में फर्स्ट टाइम पीने के लिए दिल कर रहा है। क्या हुआ रे? आज मेरे पापा ने मुझे बहुत ही जलील किया है। अब इसमें नई कौन सी बात है? वही बोले जो मेरे बारे में सोचते हैं। ये सब सुनने की मेरी आदत सी हो गई है। लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तुझे एक बात बोलूं? एक बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बाप को समझ सकता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बेटा ही उसके सबसे करीब होता है। सही कह रहा है तू। सच कहूँ तो हमें अपने बाप के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। उनकी उम्र ढल रही है और अपनी चढ़ रही है। उन्हें हमारी हर बात गलत लगती है और हम उनकी बात को कुछ समझते ही नहीं। बस यही प्रॉब्लम है। बात समझा नहीं, लेकिन सही बोल रहा है तू। दो बियर और बोल, हाईवे पर जाकर बिरयानी खाएंगे। नहीं यार है? वो क्या है ना, माँ ने घर पे मच्छी बनाई है। तू आ रहा है क्या खाने? जल्दी बता। ओ तेरे घर पे? अरे मेरे पापा शहर गए हुए हैं। क्या बात है, फिर तो पक्का। विष्णु। हाँ। तेरे पापा? हाँ माँ, आदत पड़ गई है। मैं खुश हूँ, आप चिंता मत करो। और जब तक वो यहाँ है मुझे उसे झेलना ही पड़ेगा। और बार बार उसका टॉपिक लेकर मेरे पास मत आओ। किसका टॉपिक बेटा? पीकर आया है क्या? आंटी, इतने सालों में पहली बार सही पकड़ा है। हमेशा तुझे पहले देती हूँ ना, इसे पहले परोस दिया तो क्या हो गया? पगली है माँ, सुनाई भी नहीं देता है ठीक से। बेटा ये ले, ये बिना काटे वाला टुकड़ा बहुत अच्छा है। हाँ माँ, मुझे पता है। बात क्या है? वो क्या है ना बेटा, वेदा है ना, एक हफ्ते के लिए कैंप पर जा रही है। हाँ तो पता है। वो क्या है ना कि अगले हफ्ते है ना, तेरे पापा भी शहर में नहीं है, इसलिए उसके साथ तुझे जाने के लिए कहा है। यही बात करनी थी। ये क्या है माँ, तुम्हारा सगा बेटा हूँ, पापा ने कितना भला बुरा कहा लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मन पसंद मच्छी खिला रही हो इसलिए मनमानी करवा रही हो। छी छी, अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना मुझे। विष्णु, आंटी जी। हाँ, इस बारे में किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद ही संभालूंगी। इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है? अरे सुभाष, ये इतना भड़क कर चली गई, ये खाना छोड़ कर चला गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ गलत बात कही क्या? मेरी किस्मत, आपको समझाऊंगा तो मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। हाँ। ये मछली बचा के रखना, कल आके खा लूंगा। हाँ। नमस्ते, हम दो दिन यहाँ रहेंगे। अच्छा, ठीक है, आइए। इधर आ। ये कौन है रे? ये कॉलेज की लड़कियां हैं भाई, हमारे गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए जागरूक करने आई हैं। Thank you.
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। और वो अंदर जो है वो कौन है? क्या बात है आंटी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कौन है वो लड़की? क्या बताऊं बेटी, वो मेरी ही बेटी है, जान है लेकिन लाश की तरह जी रही है। पर क्यों आंटी, वो घर के अंदर ही क्यों रहती है? उसका अभी छठा महीना चल रहा है इसलिए वो अंदर ही रहती है। तो इस बात पर आप रो क्यों रही हैं? उसका पति नहीं है क्या? शादी होती तो पति होता ना, ऐसे ही अंधेरे में बोझ काटते हुए जिंदगी जी रही है, दुनिया से बचते बचाते। इसका मतलब आप नहीं जानती कि उस बच्चे का बाप कौन है आंटी? वो कौन है ये तो हमें पता है, लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते बेटा, और उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमें मार डालेगा, गांव वालों को पता चलेगा तो वो सब हमें इस गांव से निकाल देंगे, इसलिए अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए वो ऐसे घुट घुट के जी रही है। जिसने ये सब किया है वो आराम से बाहर घूम रहा है और आप यहाँ बैठे आंसू बहा रही हैं। ऐसे लोगों को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो और किसी के साथ ऐसा ना करे। है? अरे चल निकल यहाँ से, इंसाफ मांगो, विरोध करो, ये बोलकर मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी, जाए यहाँ से। छी, बीवी के आंसू और बेटी के भविष्य के बारे में ना सोचकर शराब पीकर गटर में गिरना यही इज्जत है? तुम्हें एक नसीहत देना चाहूंगी, शराब तो घर को उजाड़ती है और शराबी पूरे गाँव को। छी, एक बात याद रखना, पिएगा तो घर उजड़ेगा, वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा। इस गांव की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है। हाँ यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तूने देखा ना वो हमें कैसे घूर रहा था? वो तो गांव का दबंग है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, पता है? अरे कोई कितना भी दबंग हो, स्कूल के अंदर शराब की दुकान कैसे खोल सकते हैं? यहाँ से निकलना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। भाई एक पक्की खबर है, उस लड़की को गांव के बारे में सब कुछ पता चल गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। सपना है, सच होता तो अच्छा होता। लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। है लड़कियों, तुम्हें घर में बैठकर खाना बनाना चाहिए, यहाँ कर हमारा सिरदर्द क्यों बढ़ा रही हो? प्यार से कह रहा हूँ, हमारा गांव छोड़कर चली जाओ, यहाँ रहोगी ना तो तुम पर खतरा हो जाएगा। है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तुम उधर क्या देख रही हो? मेरा शक सही है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन तू क्या करेगा? मारने का दिल कर रहा है। हे विष्णु, वो लोग दबंग हैं, हम उनसे कैसे निपटेंगे? कितनी बार बोला तुझे? देख मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। अरे एक बार में क्यों मार रहे हो भाई? अरे मारना नहीं था तो काट देना चाहिए। मार क्यों रहा है? पहले गलती क्या है ये तो बता। देखो ना भाई, प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिना ही घर जाने की बात कर रहा है। उसका प्रोजेक्ट उसकी मर्जी, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? भाई तकलीफ नहीं, फ्रेंडशिप है भाई। हमारा दोस्त गलती करता जा रहा है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? अरे दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे समझा कर मार कर सही रास्ते पर लाना चाहिए। इतनी मारने की क्या जरूरत है? इतना मारने की क्या जरूरत है, ये समझाने का भी वक्त नहीं, पहले जरा इसे ठीक करता हूँ। चल अभी और पिटाई बाकी है तेरी। लड़कियों आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप चली जाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर आदमी लगता है मुझे। सुनो कल यहाँ से चली जाना तुम लोग, समझ गई ना? है चलो चलो जाओ तुम लोग। क्या बात है आंटी? क्या बताऊं बेटा,
तुम्हारे कहने पर मेरे पति ने गांव वालों से मदद मांगी तो सब गांव छोड़ने के लिए कह रहे हैं हमें। कैसे इंसान हो तुम लोग, उसका सामना करने की बजाय तुम इन्हें गांव छोड़ने के लिए कह रहे हो। ये अन्याय सिर्फ इनकी बेटी के साथ नहीं बल्कि पूरे गांव के साथ हुआ है। अगर उसे आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो आज जो इसके साथ हुआ है कल आपकी बेटियों के साथ होगा। बाहर आकर रोशनी में जीना है या फिर अंधेरे में मरना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर आज आप लोग हिम्मत दिखाएंगे तो कल इसकी जिंदगी बन जाएगी। अब फैसला आपका है। हम जान पर खेल कर भी इंसाफ लेंगे। चलो 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 चलो। चलो आज उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो। चलो। पहना जल्दी। जल्दी पहना। हमारी बात मानकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। मैं बहुत खुश हूँ। हमारा दिल जो कहता है अगर हम वो करें तो उस बात की खुशी कुछ और होती है। बेटा बेटा अरे वो शादी की बात तो वेंकट रेड्डी को पता चली तो फिर वो गांव वालों को मारने आया था लेकिन गांव वालों ने जमकर उसकी पिटाई की और वो गांव छोड़कर भाग गया। आप लोग ना यहाँ जरा होशियारी से रहना। हाँ विष्णु विष्णु हे, इतनी रात को क्यों आई? सुबह ना चा 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 सुबह सुबह। क्या पहले उसे उठा, वेदा को तेज बुखार है। अच्छा इसलिए। ए विष्णु ए विष्णु क्या है रे? सुन वेदा को बुखार आया, जल्दी जा। पिछले एक घंटे से इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। पास में अगर कोई हॉस्पिटल हो तो इसे ले जाओ। सुनिए सुनिए बहन जी, आसपास में कोई डॉक्टर है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है, पास वाले गांव में एक है। डॉक्टर 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 साहब डॉक्टर साहब। ए क्या है, क्या चाहिए तुझे? आधी रात को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या ये किसी मंदिर का दरवाजा है क्या जो खटखटा रहा है? सर आपको तुरंत मेरे साथ पास के गांव में चलना पड़ेगा, उसका फीवर बढ़ते ही जा रहा है। देखो अगर हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो उसे मेरे दरवाजे पे आना होगा, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। आज तक कभी कदम बाहर नहीं निकाले, इतना फेमस डॉक्टर हूँ और तुम मुझे आ, 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 आ करके बुला रहे हो है? अरे जानवरों को डॉक्टर समझ रखा है क्या? वैल्यू है अपनी इस गांव में। अरविंद स्वामी आरएमपी, अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। चल 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 निकल, अब क्या है? अरे भाई जरा धीरे चलाना, पहले ही बीपी का पेशेंट हूँ। अरे कब से तुमको बुखार है, कैसा लग रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हेलो इसको बुखार है, इसको देखो। हाँ तभी तो मैं सोच रहा था इतनी हट्टी कट्टी मोटी ताजी को क्या हो गया। जरा अपना हाथ दो तो। एक सुबह एक शाम को देना इसे, और हाँ खुद पेपरामेंट समझ के मत खा जाना, ये अलग तरह का टैबलेट है। चलो अब मैं निकलता हूँ। सर एक बात पूछूं, ये बुखार आया कैसे? अरे कुछ खास नहीं, विलेज है ना, मच्छर पानी इसलिए आ गया होगा। तुम लोग तो अभी नए आए हो ना, आदत नहीं है ना इसीलिए। फिर से तो नहीं आएगा ना? हो सकता है फिर से आ जाए, मुझे क्या पता। मैं कोई MBBS डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ RMP अरविंद स्वामी हूँ। अभी मुझे घर छोड़ो। ठीक है कल सुबह छोड़ देता हूँ आपको। अरे सुबह क्यों छोड़ेगा, अच्छा खासा सोया हुआ था, मेरे घर से उठा के यहाँ लेके आया और अभी बोल रहे हो कि तुम मुझे सुबह छोड़ोगे? मुझे क्या तुम बेवकूफ समझ रखे हो? ब्रदर मुझे एक डाउट है, जहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जाती वहाँ तुम मुझे लेके आ गए। वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है, फ्रेंड है? नहीं। लवर है? नहीं। हो फ्रेंड नहीं है, लवर नहीं है, तो फिर क्या है? उन दोनों से भी ज्यादा। दोनों से भी ज्यादा क्या? जिम्मेदारी।
लगता है तुझे समझने की कोशिश करूंगा तो अरविंद स्वामी ऐसे ही मर जाएगा। अच्छा मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तू मुझे कल सुबह छोड़ देना ठीक है। बड़ा ही अजीब आदमी है। विष्णु, मैं दो दिन तुम्हें नहीं दिखी तो तुम यहाँ आ गए। सरा सा बुखार आया तो इतना डर गए तुम। क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? पसंद नहीं, तुम जिम्मेदारी हो। और इससे ज्यादा पापा डांटेंगे ये डर है। अगर ये बात पापा को पता चलेगी तो वो सोचेंगे तुम्हें बुखार मेरी वजह से आया है। वो बात नहीं है विष्णु। रहने दे, पढ़ाई भी मुझे पसंद नहीं, पापा की वजह से पढ़ रहा हूँ। कुछ काम हमें अपने लिए करना चाहिए, कुछ काम हमें जन्म दिया उनके लिए करना चाहिए। जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स रेडी हो रहे हैं, तुम भी रेडी हो जाओ। ए रूपा, रात को तुम आई थी तो मैंने गलत समझा था, इसलिए सॉरी। हैं, मुंह बंद रखो और खा। लगता है कोई चांस नहीं मिलने वाला है। वो आई नहीं अभी? उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ, वैन में ही बैठी है वो। अम्मू, अम्मू, सुबह से कुछ खाया नहीं ना? लो। ये टैबलेट खा लो, बुखार कम हो जाएगा। आहा, खुले में सब कुछ करने का मजा ही अलग होता है। हेलो, मैं यहाँ सरदार के ढाबे पर हूँ, आ जा तुम लोग। क्या है विष्णु? कल जिस वेंकट को मारने काटने की बात कर रहा था ना, वो यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है। तू जल्दी से आ जा, उसे सबक सिखाते हैं, काट डालेंगे उसको। अच्छा तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। मारा तो ठीक है, लेकिन टकले पर सिगरेट क्यों बुझाया? तो उसकी खोपड़ी मस्त थी इसलिए। हाँ? आजू बाजू खेती। हाँ? और बीच में एकदम फ्लैट एस्ट्रे की तरह, इसलिए बुझा दिया। वेदा इधर आना, ये चाय लेकर जाओ और उन्हें दे दो ठीक है। जाओ। ओके।
दो बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? वेदा। बहुत किस्मत वाली हो बेटी जो तुम इनके छत्र छाया में पली बड़ी हो। तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। तुम्हारी शादी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो भी कितनी शर्तें रख रहे हैं। लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए बोल रहे हैं, हमारी तो सांसें अटक गई हैं। उनके यहाँ रिश्ता होना भी राजयोग की बात है, क्या कहते हो? उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि शेखर जी के यहाँ से रिश्ता आया है, यही खासियत है इनकी। ये देखो लड़के की फोटो, तुम्हें पसंद है तो अगले हफ्ते रिश्ता पक्का कर देंगे। जैसी आपकी मर्जी। अरे तुम्हें पसंद आया कि नहीं ये भी तो जानना है। अरे अब इसमें लड़की क्या बोलेगी, अपने अंकल की इतनी इज्जत जो करती है। अंकल ने जो बोल दिया उसमें हाँ कर दी, ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं। अरे आजकल की लड़कियाँ तो शादी करके आती हैं और बाप से आशीर्वाद ले लेती हैं, माँ बाप की बातों की परवाह कहाँ करती हैं। इसको शेखर जी ने पाला पोसा है, उनके संस्कार का असर तो पड़ेगा ही। अच्छा अब हम चलते हैं शेखर जी। नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब आपके बेटे के लिए भी रिश्ता देखूं क्या? आप लोग जाइए। क्या हो गया इनको? क्यों बेटा, मैंने तेरे रिश्ते की बात की तो तेरे पापा नाराज हो गए? अरे आपको किसने कहा पूछने के लिए, मेरे बारे में बात करेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे, अब समझ में आ गया? चलिए निकलिए। ये बाप बेटे एक जैसे ही जवाब दे रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो। विष्णु, विष्णु क्या है? बस कॉलेज लाना और वापस ले जाना, बस इतना ही। कभी तो गलती से मुझे कॉफी के लिए पूछ लिया करो। कितनी ठंड है ना, रात को भी सर्दी कितनी ज्यादा थी ना। वो तो है। कितने भी कंबल ओढ़ लो सर्दी जाती ही नहीं है। टी शर्ट भी पहनी है, स्वेटर भी पहना है, फिर भी ठंड लग रही है। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूं इतनी ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक काम कर भाई, एक गड्ढा खोद के उसके अंदर घुस जा, अच्छा लगेगा। ए, कैसे बात कर रहे हो तुम, माइंड योर लैंग्वेज, इज्जत से बात करो। ए, तुझे क्या इज्जत दूं मैं? क्या बोला था तूने मुझे? तूने मुझे ब्लडी ब्लेजर्स बोला था ना, यूजलेस फेलो। अरे ये ठंडी है क्या? ए ए यू चीप फेलो, तू जानता है इसकी कॉस्ट क्या है? 70 रुपीज लीटर। कर दी ना सस्ती बात। ये पानी कैसे लीटर है? 70 रुपीज। और इसके ऊपर कितने का प्राइस है? 500। अब मुझे बता कौन है चीप फेलो, कौन है चीप फेलो, तू या मैं? बोल बोल बोल। अरे बोल ना कौन है चीप फेलो। सर सर सर, मैं छोड़ूंगा नहीं। जाने दीजिए सर, सर दोनों लवर्स हैं, बात कर रहे हैं, जाने दीजिए सर प्लीज। अरे ये काहे का लवर है? बेचारी लड़की कब से इंतजार करके बैठी थी कि लवर आएगा और कुछ प्यार की बातें करेगा, लेकिन ये आके सर्दी लग रही है। चद्दर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या ये कोई पुलिस स्टेशन है? जाने कर चाहिए प्लीज। और ऊपर से हमारे गांव को डर्टी विलेज भी बोल रहे हैं। सर नादान है, गलती से बोला होगा। आइए लवर, लवर्स हो तो आपके जैसे हो, आप पक्के लवर हो। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट लवर सर, एक्सेप्ट दिस हेलो। मैं कब से देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से आंखों आंखों में बात कर रहे हो। प्यार की असली भाषा तो खामोशी होती है सर। आप दोनों को देख के लगता है कि एक पैगाम मारो, और इसे देख के लगता है कि वोमिट कर दूं। मेरा तो सर फटा जा रहा है। जान लीजिए, कोई बात, कोई लवर है, कोई लवर है ये? सर बस कीजिए सर, हो गया ना। लवर तो आप जैसे होने चाहिए। आपके बोलने पे उसे छोड़ रहा हूँ मैं। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज सर, मेरी इच्छा है कि आप लोगों के साथ एक सेल्फी लूं। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज। सर मैं बेस्ट लवर्स के अवार्ड आप दोनों को देता हूँ। अरे सर आप अवार्ड में भी बोतल ही देंगे। अच्छा, सुब्बा राम रेड्डी नाम का आदमी अवार्ड देगा तो सब लोग लेते हैं, वाह। मैं दूंगा तो कोई नहीं लेगा। आओ बैठो। सर एक सेकंड सर, आप दोनों बेस्ट लवर्स हैं सर, इस बोतल की कसम खा के बोलता हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई रिस्पेक्ट लवर सर, एक्सेप्ट दिस फेलो। विष्णु। हाँ। उसने ऐसा क्यों बोला? क्या बोला? उसे ऐसा क्यों लगा कि हम दोनों लवर्स हैं? है, वो पिया हुआ था और मैंने उससे बात की, इसलिए उसे ऐसा लगा होगा। विष्णु वो जिस तरह से कह रहा था उसकी बातें सुनकर ही मुझे डर लग रहा वो था। तो पिया हुआ था, तू क्यों नशे में बात कर रही है? पापा क्या है रे, मुझे 2 मिनट लड़की से बात करनी है। पागलो जैसी बातें मत कर, जब तक रिश्ता ना हो जाए कुछ मत बोलना। शेखर जी के यहाँ से रिश्ता आया है, बकवास मत करना। हाँ
मेरा फेसबुक क्यों नहीं खुल रहा है? सिग्नल नहीं मिल रहा होगा पापा। क्या बोल रहा है आपका बेटा? अरे आगे सर नमस्ते। वो नमस्ते। कुछ नहीं है, अमेरिका में पढ़ा है ना, थोड़ा एडवांस है। बोल रहा था लड़की से बात करनी है। करने दीजिए, उसमें क्या बात है? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपके यहाँ से रिश्ता आया है, यही बड़ी बात है। और ऐसे में कोई लड़की से बात करने को कहेगा तो आपके संस्कार पर सवाल नहीं उठेगा, इसीलिए मैंने बात करने को मना किया। आजकल के लड़के ऐसे ही हैं। अरे शेखर जी की लड़की है, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? बेटा तूने देखा इसे, शादी की बात करते ही कैसे मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी, घर पर अब तो खाना भी बनाती है। ए, एक बात पूछो तुझसे। हाँ पूछो। अच्छा बेटा, ये बचपन से ही तेरे साथ बड़ी हुई, तुम दोनों साथ में खेलते थे, वो तो है, साथ में मिलकर पढ़ाई भी करते थे। अब ये शादी करके चली जाएगी तो तुझे तकलीफ नहीं होगी? माँ तकलीफ तो हो रही है, पर क्या कर सकता हूँ। बचपन में जब मैं गिर जाता था तो आप लोग दवा लगाते थे, लेकिन अभी आप लोग ही चोट पहुँचाकर दवा लगाने की बात कर रहे हो। ए, तू क्या चाहता है बेटा? माँ एक बात बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अम्मू कहीं 10 दिन में घर वापस ना आ जाए। एक रिक्वेस्ट है माँ। क्या? उससे विदा करते वक्त एक बात समझा देना। क्या समझाना है? वापस ना आए। हाँ? शादी के बाद भी हम लोग को उसे झेलना पड़े तो ये तो बहुत ही तकलीफ की बात है। तू भी ना। बाप रे, भगवान भी तुझे नहीं सुधार सकते, गधा कहीं का, बस खाता ही रहता है। आज के बाद से हमारी दोस्ती और मेरी बेटी दोनों खत्म हो गए। ए, उस दिन जिस तरह तू मुझ पर गुस्सा होकर चला गया था, उसके बाद तुझसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है। और तुझसे बात करता भी कैसे, अभी तक दुख हो रहा है मुझे उस बात का। मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए माफ कर देना यार। उस दिन मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। आज मेरी बेटी बहुत खुश है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ। बदलते वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि तेरे बेटे को मार डालूं, लेकिन अब तेरे बेटे से मिलूंगा तो उससे माफ़ी मांग लूंगा, क्योंकि उसे उस दिन भी पता था और आज भी पता है कि उसने सही किया है। एक बाप होने के नाते मैंने सिर्फ अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा, लेकिन उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। मैं अपनी बेटी के लिए शायद इससे अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाता। एक बात तो सच है कि दो परिवार के मिलने से संबंध बनते हैं, लेकिन दो लोग मिलते हैं तो ज़िंदगी बनती है। हम लोग सिर्फ संबंध के बारे में बात करते हैं पर ज़िंदगी के बारे में भूल जाते हैं। एक बात बता, तेरा पति अभी भी पीता है क्या? तेरे साथ मारपीट करता है क्या? अरे पीकर मारपीट क्या, उसने तो पीना ही छोड़ दिया। अरे वाह, उसने पीना छोड़ दिया है, कहीं कोई जादू तो नहीं किया तूने उस पर? अरे जादू टोना नहीं, एक दिन जब वो मार रहा था ना तो आपके बेटे ने देखा, फिर जो भी किया आपके बेटे ने किया, विष्णु बाबू ने उनको 2 चाटे लगाए क्योंकि वो बात नहीं सुन रहे थे ना, तो पहले समझाया फिर विष्णु बाबू को बहुत गुस्सा आ गया। मुझे पहले बहुत दुख हुआ कि मेरे पति को आपके बेटे ने मारा है, लेकिन फिर है ना उन्होंने 2 बात बोली थी, उसे सुनने के बाद मेरे पति ने तो पीना ही छोड़ दिया, अभी बहुत अच्छे से रहता है। आपके बेटे ने तो मेरा संसार बसा दिया, अब मैं बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा काम करने के बाद विष्णु बाबू ने तो पुण्य कमा लिया, लेकिन आशीर्वाद के अलावा मैं तो उनको कुछ और दे नहीं सकती ना। इतना चाहती हूँ कि विष्णु बाबू हमेशा खुश रहे। प्रिंसिपल साहब 2 शब्द कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज हर स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा और उत्तम समय होता है, ऐसा पल जो कभी ना भूला जा सके। बस एक ही बात कहूंगा, जब आप लोग यहाँ से पास होके बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं तो खुशी के साथ साथ कुछ यादें भी छोड़ जाते हैं जो हमें बहुत कम देती हैं।
हमें पता है कि अब आप लोग लौट कर वापस नहीं आएंगे। हालांकि साथ में रहते हैं तो कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब पता नहीं होता कि एक रोज हम लोग बिछड़ जाएंगे, और जब बिछड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जिंदगी का नियम है। हमारी दिली इच्छा है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और अपनी जिंदगी को संवारें। मेरी ढेरों शुभकामनाएं। प्रोग्राम में प्रिंसिपल ने अच्छा भाषण दिया यार। हाँ रे, इतनी अच्छी बातें बोल के मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। उसके पास दिमाग नहीं है लेकिन बोला अच्छा है। अच्छा, मैं जाकर इसे ड्रॉप करके आता हूँ। आज आखिरी दिन है, वो शादी करके भी जा रही है। अरे यार, तो क्या अभी वो तेरी गुलामी भरी जिंदगी से अलग नहीं होगी क्या? अरे इतने दिनों तक जब इसकी सेवा और गुलामी की है तो आखिरी के दो चार दिनों के लिए मैं अपना नाम क्यों खराब करूं? लेकिन उसने कभी भी मेहमान की तरह बिहेव नहीं किया, मालकिन की तरह बिहेव किया है। लेकिन अब पता चलेगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। ठीक है, जा उसे छोड़ के आ जा, लेकिन जल्दी आना। हाँ बोल विष्णु, जल्दी कॉलेज आ जा, यहाँ झगड़ा हो रहा है। अम्मू नीचे उतरो, तुम यहीं से घर चले जाओ। विष्णु, जब तक तुम नहीं आओगे मैं घर नहीं जाऊंगी। तू क्या छोटी बच्ची है? कल तेरी शादी होगी तो जाना पड़ेगा ना अकेले। यहाँ से घर नहीं जा सकती क्या? अर्जेंट काम है, जाना है तो जा, नहीं तो यहीं खड़े रहे। विष्णु, अब क्या है? मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं इंतजार करूंगी। ऑल द बेस्ट। विष्णु, क्या हुआ, किसने मारा? हम यहाँ बैठे हुए थे, वो लोग आकर मारने लगे। बस यहीं पर सब खत्म कर दो। उस दिन मेरे पापा ने माफी मांगी थी, आज मैं माफी मांगता हूँ, जो हुआ वो सब भुला दो। चल सुबू हॉस्पिटल चल। हॉस्पिटल जाना होता तो तुझे क्यों बुलाता? उनसे अपना बदला लेना है मुझे। आजा तू भी दो चार हाथ आजमा ले, फिर सबको हॉस्पिटल साथ ही में भेजेंगे। हाँ माँ, बोलो माँ। अरे कहाँ है बेटा, अब तक घर क्यों नहीं आया तू? लास्ट डे है ना, तो फ्रेंड्स लोगों ने पार्टी रखी है, उनके साथ ही हूँ। क्यों रे, कल उसकी शादी है, उसे दुल्हन बनना है, तुझे कुछ याद भी रहता है या नहीं? और आज तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है? हाँ बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ माँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ वरना पापा खुद उसे लेने आ जाएंगे। क्या हुआ, अभी तक बच्चे घर नहीं आए? अरे वो आज लास्ट डे है ना, तो पार्टी नहीं, वो रास्ते में आ ही रहे हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? तुझे घर जाने के लिए बोला था ना, गई क्यों नहीं अभी तक? मैंने भी कहा था ना कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं घर नहीं जाऊंगी। इसे पागलों जैसी बातें मत कर, कितनी रात हो गई है, तेरा ये सब करने का मतलब क्या, आखिर चाहती क्या है तू? मतलब का तो सवाल ही नहीं होता ना, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। देखो ऐसी बातें मत करो, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, बारिश हो रही है इसलिए पता नहीं चल रहा। हाँ बारिश हो रही है ना, तो तुम्हें भी कैसे पता चलेगा? मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे ये शादी नहीं करनी। विष्णु मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, तुमने कहा था ना कि हमें जिस चीज में खुशी मिले हमें वही करनी चाहिए। प्लीज विष्णु मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ पर लेकर जाऊं? अगर हमारे बीच में तेरे पापा, तेरा भाई या कोई रिश्तेदार आता तो लेकर चला भी जाता, लेकिन हमारे बीच में आने वाले खुद मेरे पापा हैं। अगर तू चली जाएगी तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अगर मैं चला गया तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू चली गई तो मर जाएंगे वो, तुझे जितना प्यार करते हैं ना वो, उसके सामने हमारा प्यार बहुत छोटा है।
ये दो दिन जो भी होता है तो बस चुपचाप रहे, मेरी बात मान ले। अब चल। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? सुबह तुम्हारी शादी है, कुछ याद रहता है या नहीं? जाओ जल्दी से कपड़े बदलो, खाना भी खा लो। ए, तुझे अलग से बोलूं क्या? जा कपड़े बदल। हाँ हाँ बोल भाई। हाँ आ रहा हूँ। अरे ये लीजिए टॉवल ले लीजिए, आप भी आ गए। अब आप जैसे ही बाहर गए ना, बच्चे तभी आ गए थे, ये लीजिए। कब तक मुझे इस तरह बेइज्जत करता रहेगा? आज करता कहीं का, मेरी किस्मत खराब थी जो तू मेरे घर में पैदा हुआ। अरे मार मार कर जान ले लूंगा तेरी, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हैं? क्या सर, आप पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में इस तरह इसको? अरे मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आया, बल्कि मुझे यहाँ लेकर ये आया है निकम्मा। इसे मारू पीटू काटू क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे डिग्री वाले बच्चे समझ कर बार वाले ने इसे शराब देने से मना किया तो इसने मेरा आधार कार्ड दिखा दिया। इसकी वजह से गाँव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। आदमी वाले कार्ड दिखा के पीते, लेकिन ये पहला लड़का है जो आधार कार्ड दिखा के दारू पी रहा है। इसे तो यार तुझे मार भी दूं ना तो गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बोला कुछ होंगे चाचा कहा है? नमस्ते। नमस्कार सर, बैठिए ना प्लीज। सर यहाँ पर आपका एक साइन चाहिए, छोटी सी फॉर्मेलिटी है। मुझे नहीं पता था कि ये आपका बेटा है, वरना इसे मैं खुद आकर घर छोड़ के जाता। माफ कीजिएगा सर। थैंक यू सर। नमस्ते। क्या बात है सर, आज तक आपने इतनी इज्जत किसी को नहीं दी, फिर इनको कैसे दे? अरे तुम यहाँ नए आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस गांव में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, हर गांव वाला इन्हें अच्छी तरीके से जानता है। इन्होंने हर किसी की बहुत मदद की है, कितने सारे काम करवाए हैं इस गांव में, तुम्हें पता नहीं। ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नमस्कार साहब। सत्यवती, सत्यवती। क्या हुआ जी? उससे कह दो कि दो दिन तक घर में नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप, वो क्यों नहीं आ सकता? जो बोला वो करो। ये क्या भाई साहब, घर में शुभ काम हो रहा है और आप इसे अंदर नहीं आने दे रहे हैं? जब तक वो सामने होगा मेरे लिए कोई भी शुभ काम करना संभव नहीं होगा। जिंदगी में आज तक कभी पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखा था, पर इसकी वजह से जाना पड़ा। बोल दो इसको दो दिन तक मेरी नजरों के सामने ना आए। क्या है आखिर प्रॉब्लम? क्या है? मैं क्यों नहीं आ सकता बताइए, क्यों नहीं आ सकता? मेरा घर नहीं है क्या? इसको लाकर आपने घर पर रख दिया, महारानी की तरह बड़ा किया, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। इसकी शादी करवा के आप मुझे घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं? आपको शादी करवानी है तो बाहर जाकर करवाइए, मैं यहीं रहूंगा। हे, अपने पिताजी से कोई इस तरह बात करता है? महाना। क्या, क्यों मैं मानूं आपकी बात? बचपन से इसे हमारे सर पर बैठा कर चले गए और आप लोग वहाँ हनीमून कपल की तरह आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हो और मैं यहाँ बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ और सब इसको ही सपोर्ट करते हैं। मुंह बंद रख अपना, एक शब्द और नहीं बोलना, चल निकल यहाँ से, निकल जा। सुनिए ना, अरे साहब जी, लड़के वाले आ गए हैं। क्या विष्णु, कुछ बात करने के लिए बुलाया था ना? ए, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलता क्यों नहीं? समझ गया, अब तक तो तूने उसे रुलाया, अब वो जा रही है तो तू रो रहा है। हे, यहां बैठकर अकेले रोने से कुछ नहीं होगा, जिसके लिए अपने आंसू बहा रहा है ना उसके सामने जाके बहा। हेलो। क्या रे, तेरे घर में आज शादी होने वाली है ना?
लेकिन क्या है कि मंगलसूत्र से शादी नहीं होती। शादी के लिए ना दुल्हन भी मौजूद होनी चाहिए। और तुझे पता है कि इस वक्त दुल्हन कहाँ पर है? ए, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, 10 मिनट के अंदर अगर तू नारियल की खान पर नहीं आया ना, इसको काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तेरी परिस्थिति मैं समझ गया, तेरा दिमाग कुछ और बोल रहा है और दिल कुछ और बोल रहा है। तेरे दिमाग में यह चल रहा है कि मैं किसी भी तरह जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दूं। जो बच्चे बचपन से एक साथ रहे उनके प्यार को समझकर उन दोनों को एक कर दूं, यह दिल में चल रहा है। देख, दिमाग और दिल दोनों पास पास होते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी देख नहीं पाते। एक को जो अच्छा लगता है दूसरे को नहीं, लेकिन जो दिल को अच्छा लगे वो काम करने से मन को शांति मिलती है। शादी के लिए अभी 1 घंटा बाकी है, तब तक अच्छे से सोच ले। अरे वो बात नहीं है। मैं तेरा दर्द समझता हूँ यार, लेकिन एक बात याद रखना, जब युद्ध की शुरुआत होती है तो आर या पार यही फैसला होता है, बीच में कुछ नहीं होता। मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे लड़ो ना। लेकिन तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आई, अगर मुझसे इसकी शादी नहीं हो रही तो तुम लोगों से ज्यादा गुस्सा तो मुझे अपने पापा पर आ रहा है। मारना है तो मुझे मारो, उसे चुपचाप छोड़ दो। ए, इसने मेरी दबंगई और तुमने मेरे सिर पर दाग दिया है, दोनों को एक साथ ही मारूंगा। अरे तुझे बदला लेना है तो एक पैकेट सिगरेट जलाकर मेरे सर पर बुझा दे। मेरी बात मान, उसकी 1 घंटे में शादी है और मेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज विष्णु, अभी भी एक बार सोच लो, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं कितना भी चाहूँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे पागल हो गई है क्या तू? वहाँ पूरी फैमिली वेट कर रही है और तू यहाँ बकवास कर रही है। जाओ वहाँ पर। मेरी बात कोई समझता ही नहीं, वो शादी करूँ इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपनी जान दे दूँ। सुनिए प्लीज, आप मुझे मार दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए। मुझे परेशान मत करो। प्लीज अम्मू मेरी बात सुन, चली जा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या? लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हम चलो, शादी का टाइम हो रहा है, मुझे भी कहीं जाना है। मैं नहीं आऊंगी विष्णु, मुझे शादी नहीं करनी। अरे ये क्या बात हुई? मैं इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग अपना सेटलमेंट करने में लगे हुए हो। तेरी तो खर्चा करके आया, इसको यहाँ लेकर क्यों आया? अब बोल इसे कि शादी कर ले या फिर तू ही इसे छोड़कर आएगा। बेटा जाओ, बेटा जाकर शादी कर लो, नहीं तो देख रही है ना ये कैसे मार रहा है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मार दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा तू पागल है क्या? अरे मैंने तो डराने के लिए बोला था, तुम्हें क्या लगता है मारना कोई इतना आसान काम है क्या? अरे किसी को बोलोगी तो मार दूंगा क्या? मार डालो बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मर्डरर हूँ, खूनी हूँ? ए, तुम दोनों को जो करना जाकर करो, शादी करनी शादी करो, नहीं तो मरना है मर जाओ, मुझे कुछ नहीं करना। जाओ तुम लोग, पैसे भी खर्च हो गए, सर्विसिंग भी हो गई। प्लीज अम्मू मेरी बात मान लो, सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। तुम मेरी बात मान लो, मुझे कहीं दूर ले चलो। तू बात मानेगी या नहीं? अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो सिर्फ हम दोनों खुश होंगे, और बात मान लेगी तो हमारा पूरा परिवार खुश होगा। सोच ले तुझे क्या करना है।
सेल्फी फ्लेक्सी समथिंग डिफरेंट। हेलो इधर आओ। ये क्या है? फ्लेक्सी। ये क्या है? सेल्फी। अरे तो जो सेल्फी में लड़का है वो यहाँ फ्लेक्सी में क्यों नहीं है? Why this kind of difference between love and marriage? मैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे हो? अंदर जाओ जाके लड़की के बाप से पूछो ना। Yes, correct. तुझे रास्ता तो नहीं बता लेकिन तरीका बता दिया। मैं तुझे बेस्ट फॉर्म रिवार्ड दूंगा। अब तू जा बेटा। अगर तेरे जैसे आदमी हो तो गूगल की जरूरत ही नहीं है। Hold on. इस शादी से आपका कोई रिलेशन है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो? मेरे घर पर आकर मुझसे ही पूछ रहे हो कौन हूँ? मैं दूल्हे का बाप हूँ भाई। ए, मैं इनसे बात करता हूँ, तुम शांत रहना, मैं समझा देता हूँ। ठीक है। कांग्रेचुलेशन सर, लेकिन फौरन ये शादी रोक दो। ये शादी आपके लिए खतरनाक है क्योंकि आगे चल के ये शादी हानिकारक साबित होगी। ऑलरेडी ये लड़की किसी और से प्यार करती है। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। ये सेल्फी मैंने खुद खींची है और इन्हें बेस्ट लवर का अवार्ड भी दे चुका हूँ। ये क्या है? आप देख रहे हैं ना, दरअसल में हुआ ये था। फोटो में तो दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे बेवड़ा कहीं का, इसे लगा कि दिखा देगा तो मैं विश्वास कर लूंगा। शेखर जी ने उसे पाला पोसा है। ये दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं, इसीलिए क्लोज फोटो खिंचवाए हैं। वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन बचपन से दोनों साथ में रहे हैं ना, इसीलिए इतने क्लोज हैं। एक बार सोच लीजिए। कैसी हाँ। बात कर रहे हैं आप? आपको हाँ? पता है ये शेखर जी का रिश्ता है, वहाँ कोई समस्या नहीं हो सकती। आप जैसे लोग ऐसा शक करेंगे तो कैसे चलेगा? अमेरिका के कॉलेज में जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ क्या क्या चलता है आपको उसके बारे में पता नहीं है? अरे मुझे कोई बुला रहा है, जाता हूँ। मुझे कैसे भी करके शादी रोकनी है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे अमेरिका से पढ़कर आया है इसीलिए इतना चिपक कर फोटो खिंचवाया है। अमेरिका में ऐसा ही होता है, तू चिंता मत कर। मेरी बात सुन, कोशिश करते रहना। आप फुल सपोर्ट कर रहे हो ना? हाँ। तो मैं फुल बोतल पी के ये शादी जरूर रखूंगा। हाँ। एक बात और बोलूं? हाँ। मैं आपको बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड जरूर दूंगा। हाँ। ओके? हाँ। हाँ। आप देखते रहो क्या करता हूँ। समय हो गया। मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन? आपका इस शादी से कोई संबंध है क्या? अरे क्यों नहीं है, लड़की का बाप मैं ही हूँ। आपके पास दिमाग नहीं है क्या? लगता है कॉमन सेंस भी नहीं है। मेरे फोन को देखो, साफ समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास दारू है क्या? फुल बोतल है। चलो मेरे साथ। हाँ चलो। हाँ। अरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात मुझे नहीं पता। अच्छा वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, ये तू कब से जानता है? अरे इसमें जानने की क्या बात है, उन्हें बेस्ट लवर्स का अवार्ड मैंने दिया है। और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इन दोनों को कैसे भी करके मिलाना है सर। चाहिए तो आपको फुल बॉटल दूंगा सर, शराबी पार्टनर सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी दूंगा। इन लवली कपल्स को मिलाना है सर, ये बहुत अच्छे हैं सर, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। मिल गया। सुपर आइडिया सर, क्या कमाल आइडिया दिया आपने। ये क्या सर, बेटी की शादी है तो खुश होना चाहिए आपको, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? अरे मैं करूं तो क्या करूं, मेरी बेटी को वो विष्णु बहुत पसंद है, लेकिन दबाव में मैं उसकी शादी कहीं और कर रहा हूं। अरे तो फिर बेटी जिसे पसंद करती है उसी से शादी करवाओ ना। अरे मैंने अपने दोस्त को समझाया कि आपका बेटा और मेरी बेटी दोनों एक ही साथ पले बड़े और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन क्या मेरे दोस्त को ना पैसों की लालच है, मैं ज्यादा दहेज नहीं दे सकता ना। इसीलिए उसने कहा कि वो ऐसी जगह शादी करेगा जहाँ से उसे ज्यादा दहेज मिलेगा, इसीलिए उसने ये रिश्ता ढूंढा। ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी उसके बेटे से कितना प्यार करती है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसका बाप हो कहीं तो उसकी शादी करनी है, इसीलिए मैं मान गया। इसीलिए दुख मिटाने के लिए अब दारू पी रहे हैं ना। सुनिए क्या हुआ? वो वेदा कहीं नजर नहीं आ रही। क्या बात? नजर नहीं आ रही है मतलब? अरे वो आपके बेटे के साथ भाग गई। अरे तू कैसी बात कर रहा है, शेखर जी की लड़की है। आप चुप रहिए, आप और आपके शेखर, इनका बेटा उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करेंगे तो दहेज नहीं मिलेगा, इसीलिए इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। ये
आ गया बेटा? आखिर हुआ क्या था? इसे कहाँ लेकर चला गया था तू? आंटी, इतना इमोशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ये जिससे प्यार करती है उसे मंडप में लेकर आई है, और आप ऐसे नाटक कर रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। और इन्होंने सब कुछ जानते हुए हमें बेवकूफ बना दिया, और आप दिन रात शेखर जी का नाम लेते हैं। ये है वो बड़े आदमी। अरे नहीं, देखो बेटा जरा इज्जत से बात करो। अरे मैं तुझे क्या इज्जत दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा का कॉलर पकड़ने की? क्या समझता है तूने? मेरे पापा की बहुत इज्जत है यहाँ। सुन बेटा, तुझे बताना ही होगा कि तू इसे आखिर ले कहाँ गया था। बोल, तुझे मेरी कसम है बेटा। अगर भाग कर ही जाना होता, ए, बोलने देना मुझे। अगर भाग कर जाना होता तो जब अम्मू ने बोला था तभी इसे भगा कर ले जा सकता था, लेकिन मेरी इज्जत के लिए इसने अम्मू को न जाने कितना डांटा, और इस बात के लिए इसे समझाया भी कितना, जानती हो? अगर इसे लेकर जाना होता तो तूने जब चाटा मारा था तभी अम्मू को साथ में लेकर घर से जा सकता था ना? और अगर भागना होता तो मेरे दोस्त को इस तरह ढकेलता नहीं। वो अरे मेरी इज्जत रखने के लिए शादी करवाना चाह रहा है, और मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ही ये शादी करवा रहा हूँ। ये मेरी गलती है। बड़प्पन वो नहीं है जो मेरे सफेद कपड़े देखकर लोग मुझे इज्जत दें। इसकी तरह बड़ा दिल होना चाहिए। क्यों बेटा, इतना कुछ होने के बाद भी तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? माँ, ये सब इस वक्त क्यों? एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि आप लोग मेरी शादी इससे ही करवा देंगे। अगर आप लोगों का फैमिली ड्रामा हो गया हो तो पूरी फैमिली के साथ एक सेल्फी ले लूँ क्या? ओके। आखिर में हम जिस कॉलेज में पढ़े थे वहीं जॉब लग गई, लेकिन मेरी नहीं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ क्यों रे, जब मैं बोल रहा था तो अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो आज कॉलेज में नौकरी कर रहा होता ना। सर क्या बात है, चप्पल का कलर बदल गया, शॉप भी बदल दी क्या? अरे तुझे भी पता है क्या? सबको पता चल गया। छी पापा, खेती में 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, 2 लाख खर्च हो गए और 8 लाख उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। जी ना पापा। क्यों दामाद जी, क्या बात है, बहुत हैप्पी लग रहे हो। क्यों ना हूँ ससुर जी, खेती बाड़ी करके अच्छा खासा माल कमाया है। आपके साथ पैक पे पैक मार रहा हूँ, और खाने के लिए माँ ने जो मच्छी बनाई है वो भी लेकर आया हूँ। और इससे अच्छा हैप्पी मोमेंट और क्या हो क्या सकता बात है? गई, अरे विश्व विजेता सिकंदर भी इस तरह कभी खुश नहीं रहा होगा। तो चल उठा ग्लास।